ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सातवें चरण में आज भोजपुर के अगियां और संदेश प्रखंड में वोट डाले गए। अगियां के 15 पंचायत के 1776 प्रत्याशियों के लिए 1,12,554 वोटर आज अपने मत का प्रयोग किए। वही संदेश प्रखंड के 11 पंचायतों में 1316 प्रत्याशियों के लिए 86,916 मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। सभी जगह हमारे पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी सभी लोग उपस्थित हैं और हम लोग लगातार मूवमेंट पे हैं। सभी जगह पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। कहीं से कोई अभी तक अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और हम लोग लगातार मुस्तैद हैं और शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष तरीके से हम लोग चुनाव संपन्न कराएंगे। बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई किसी तरह का विवाद नहीं है और स्पष्ट निर्देश सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को है कि जहां से भी कोई सूचना प्राप्त होती है आप तुरंत मूवमेंट में रहेंगे और तुरंत वहां पर उपस्थित होंगे, मूव करेंगे। भोजपुर के दोनों प्रखंडों में कड़ी सुरक्षा के बीच अगियां और संदेश में वोटिंग हो रहे हैं। हालांकि अभी महिलाएं धीरे धीरे वोट दिए हैं लेकिन पुरुषों की लंबी कतार वहां पर लगी हुई थी। अगियां के भगवानपुर स्थित बूथ संख्या 182 के मतदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा ने। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। आज सातवें चरण का चुनाव हो रहा है जिनमें पूरी तरीके से अगर देखे तो 27,730 पदों पर 1,07,314 उम्मीदवार यहां पे खड़े हैं पूरे बिहार में। और आज मैं खड़ा हूं बिहार के अगियां पंचायत में जहां पर कद्दावर नेताओं की बातें कही जा रही है। मुखिया पद का से लेकर कई लोग ऐसे हैं जिनका नामचीन पूरे बिहार के स्तरों तक गिने जाते हैं। उन बूथों पर आज हम प्रवेश हैं और यहां देखेंगे यहां पर जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे लोग आज अपने नेता का से लेकर के तमाम लोगों को आज यहाँ पे वोट देकर के अपने विजय बनाने के लिए शपथ पत्र लेकर के आए हुए हैं, अपनी अपनी सारी बातों को लेकर के आए हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। मतदान करने जा रहे हैं, मतदान के बाद अपना पंचायत प्रतिनिधि चुनेंगे। जी प्रतिनिधि चुनेंगे अपना, अच्छा प्रतिनिधि होना चाहिए, व्यवहार का अच्छा होना चाहिए और कैसा, काम का भी अच्छा होना चाहिए, दोनों जरूरी है ना। काम अच्छा नहीं है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जो अच्छा काम करेगा अच्छा व्यवहार रहेगा। अभी तो यहाँ पे काम करने वाले सभी प्रत्याशी हमेशा जिनका वोट मिलता है तो काम करने का अधिकार मिलता है जी। तो हमें जिनको फंड देती है जी, फंड देती है तो काम करेंगे ही करेंगे। अभी इसमें 5 साल में जो मतदान हो रहा है देखना ये है कि कौन बढ़िया से काम करते हैं, अपने सही ढंग से सरकार के दिए हुए योजनाओं को सही ढंग से लागू करते हैं, देखना है। योजनाएं हैं क्या धरातल पर 100% तो नहीं उतरा है, बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पे हमारे देखते हैं अपने प्रखंड में शिक्षण व्यवस्थाएं तो बहुत चौपट है, सरकारी जो शिक्षण व्यवस्थाएं हैं उसमें तो कहना ही नहीं है। यहाँ पे हाई स्कूल है, ढंग से 9-10 का पढ़ाई नहीं होती है, क्लास में बच्चे नहीं बैठते हैं ना आते हैं। और यहाँ का जो मैनेजमेंट जैसे हमारे यहाँ पे जो भी विधायक प्रतिनिधि हैं चाहे जो भी प्रतिनिधि हैं तो उनका कभी भी यहाँ पे सही ढंग से देख रेखाव नहीं होता है कि यहाँ पे स्कूल चले। कोई भी कंट्री विकसित हुआ है तो एजुकेशन की बदौलत हुआ है, लेकिन आज हमारे क्षेत्र में एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है कि हम इसका शब्द में वर्णन नहीं कर सकते हैं। कहाँ टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो गई है, डेवलप कंट्री में हो गया है, यहाँ पे हमारे जो शिक्षण संस्थान है उसका देख लीजिए हालात क्या है, आपके सामने है। और आप जैसे आज आए हुए हैं ये तो काम करना चाहिए जब स्कूल चल रहा है उस टाइम में आकर के इस तरह से। बिल्कुल देखिए, सबसे अहम बात है कि बिहार में जब भी पंचायत चुनाव की बातें आता है तो निश्चित तौर पे ये देखा जाता है कि नल जल योजना या सरकार के जितने भी योजनाएं हैं वो धरातल पर कितना लागू है। सबसे अहम बात तो ये होता है कि जो शिक्षा की बातें सामने में आ रहा है, साथ में सबसे अहम बात होता है यहाँ का जो इंदिरा आवास से लेकर के धरातल पर नली गली और तमाम यो योजनाएं जो बिहार सरकार के सबसे बड़ी योजना माना जाता है, सातवीं योजना जो निश्चय योजना के रूप में माना जाता है। कई महिलाएं यहाँ पे हैं, आप जी ऐसा महसूस कर रहे हैं किस तरीके का वोट देना चाहेंगे?
व्यवस्था के खिलाफ में या व्यवस्था जो सुचारू रूप से चले, व्यवस्था सुचारू रूप से चले, क्या कमी है, क्या कमी रह गया है? कमी तो सारा कमी है, सारा कमी है। स्कूल अच्छा से व्यवस्थित नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, गली अच्छा से नहीं बना है, नल जल योजना सारा चीज तो बाकी है, सारा चीज बाकी है, सारा चीज अच्छा से होना चाहिए, अच्छा कैंडिडेट आएगा तो अच्छा होगा। निश्चित निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुचारू व्यवस्था होने चाहिए, और यह सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बिहार के जितनी भी योजनाएं हैं धरातल पर कितना उतर रहा है आज ये देखने को मिलता है। जो लोग प्रत्याशी कई हैं लेकिन उनकी उनकी जितनी स्तर पर योजनाएं उन्होंने लागू किया, 5 वर्षीय जो कार्यक्रम उनका था, उस 5 वर्षीय योजनाओं के तहत में अगर उन्हें जिस तरीके से वोट मिलना चाहिए वो मिल पाता है, या जो नए तरीके से अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आज तक उन्होंने योजनाएं बनाए उस योजनाओं के तहत में अगर उनकी कार्य रूपांतरण हो पाता है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक नई बुनियादी तरीके का बिहार का विकसित किया जा रहा है, या बिहार में जो तमाम योजनाएं बनाए जा रहे हैं उस खास तौर पे ये योजना बिहार के वो धरातल पर उतारने वाले योजना मुखिया पद के या जितने भी पंचायत स्तर के जितने भी योजनाएं हैं उन तमाम योजनाओं को लागू कराने की बातें कही जाती है। लेकिन आज की जो परिवेश में आज जो योजनाएं हैं वो तमाम योजना धरातल पर कितना उतर पा रहा है ये देखने योग्य बातें जरूर होगा। आज 7वें चरण की चुनाव में लगभग 107,014 प्रत्याशी खड़े हैं और खास करके बिहार के 27,730 पदों पर आज यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं जहाँ पर उनकी भाग्य का सारा लेखा जोखा तैयार होगा।